हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. मैं प्रेम आश्रम से लाइव. गौ माता का ट्रीटमेंट चल रहा है. गौरव हमारे पैरावेट गौ माता का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. अभी बहुत ज़्यादा मैगट्स हैं मूज में. आप अगर देखें तो सारे मैगट्स हम लोग दवा डाल डाल कर निकाल रहे हैं. काफ़ी गहरी और गंभीर छोटे हैं. आज थोड़ा सा खाया है और बाकी हमने उनको फ्लूट पे रखा हुआ है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही थी इसलिए फ्लूट पे ही ले लिया था. और गाय के मालिक के खिलाफ हमने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है. जो लोग साक्ष थे और जिन्होंने मुझे रिपोर्ट किया था, एज़ यूजुअल वो लोग मुकर रहे हैं अब अपनी बात से. लेकिन चूंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है इस काम में और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मेरे पास उन सब की फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स हैं कि उन्होंने मुझे क्या क्या प्रलोभन दिए, किस किस तरीके से मामले को ख़त्म करने के लिए बोला और किस किस तरीके से उन्होंने मुझे डराने धमकाने की भी कोशिश की कि हम यादव हैं, कोई बात नहीं, आप यादव हैं तो मैं भी अरोरा हूँ, और अगर आप किसी से नहीं डरते हैं तो मैं भी किसी से नहीं डरती. और किसी पशु का ये हाल देख के तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती मैं. आप देखिए कि सारा का सारा स्टाफ गौ माता की सेवा में लगा हुआ है. जानकी, गौरव सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी मरहम पट्टी हो, किसी तरह से वो कुछ खाएं पिए जिससे कि उनको थोड़ी आसानी हो उठने बैठने में. तो जब हम इस हद तक जाकर किसी की परवाह कर सकते हैं, किसी के लिए लड़ सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, तो किसी की जान ले भी सकते हैं. सारे डेयरी मालिक, सारे पशु ओनर, सारे पशु मालिकों को ये बात समझानी बहुत ज़रूरी है कि जानवर के अंदर जान होती है, कोई बेजान चीज़ नहीं है. कि आपकी जब तक मर्ज़ी आई आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद में आपने उसे उठाकर फेंक दिया, फेंके जाने पर आप सबका भी वही हर्षक होगा जो उस डेयरी मालिक का हो रहा है. प्रेम पाल नाम है डेयरी मालिक का और स्टेडियम रोड पे साईं हॉस्पिटल के पीछे उसकी डेयरी है. हम लोग पुलिस को लेकर गए थे तो उसका लड़का भी काफ़ी बदतमीज़ी कर रहा था और धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास गौ माता खुद फिजिकली मौजूद हैं, सारे साक्ष्य मौजूद हैं, सारे वीडियोस, सारी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग्स सब कुछ हमारे पास है. गौ माता के ट्रीटमेंट पे हम कोई भी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हालांकि पिछले 28 दिन से वो एक ही जगह पे एक ही दशा में अपने गोबर और मूत्र में पड़ी हुई हैं, इस वजह से वो बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं. तो कोशिश जारी है और आप लोग का सहयोग अपेक्षित है. इस तरह के केसेस हम जब भी उठा कर लाते हैं उस पर हम हज़ारों रुपए की दवाइयां और हज़ारों रुपए की लेबर खर्च करते हैं और आप लोगों से सहयोग अपेक्षित रहता है. अगर आप में से सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या जिनकी नज़रों के सामने से ये वीडियो गुजरेगा, अगर 100-100 रुपये भी सब लोग हमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद हम ज़्यादा दवाइयाँ खरीद सकें, ज़्यादा खाना खरीद सकें, ज़्यादा मैन पावर इकट्ठी कर सकें, ज़्यादा बड़ी जगह ले सकें और ज़्यादा एनिमल्स को रेस्क्यू कर सकें. अगर आप हमारे इस काम में भागीदार बनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिएगा. मेरा पेटीएम पेपल नंबर 9760211121 है. फ़ोनपे के थ्रू भी मुझे डोनेशन भेज सकते हैं, गूगल पे के थ्रू डोनेशन भेज सकते हैं और पेटीएम के थ्रू डोनेशन भेज सकते हैं. इस पुनीत कार्य में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. टेक केयर.